আর সে দেখুন মোদি একটা পাগল হিন্দু ধর্মে এটা হয় না অহংকারী নরেন্দ্র মোদি এলির ঘরের ছেলে বাবা নমস্কার আপ দেখ রহে হ্যায় ভিকে নিউজ আর মে হু আপকে সাথ ময়ঙ্ক গৌর 19 अप्रैल से देश में मतदान है और 2 जून को मतदान समाप्त हो जाएंगे। 7 चरणों में देश के आम चुनाव संपन्न होंगे। इसी आम चुनाव को लेकर के हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ने एक गाइडलाइन जारी की थी, गाइडलाइन बयानबाजियों को लेकर के। और चुनाव आयोग ने गाइडलाइन में ये कहा था कि कोई अमर्यादित टिप्पणी या फिर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी ना की जाए, साथ ही साथ ऐसी टिप्पणी ना की जाए जो किसी जाति धर्म या फिर संप्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाती हो और उनकी भावनाओं को आहत करती हो। लेकिन चुनाव आयोग की बात कौन माने? राजनीतिक पार्टियां, राजनेता जो हैं वो अपने बयानों से कभी पीछे नहीं हटते और चाहे उन बयानों का क्या परिणाम निकलेगा ऐसा कुछ भी वो नहीं सोचते। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर के टीएमसी नेता पीयूष पांडा ने एक बयान दिया है, खासा विवादित बयान वो है। आपको बता दें कि पीयूष पांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जाति तैली है तो फिर वो अयोध्या राम मंदिर में पूजा कैसे कर सकते हैं। इस बयान के बाद खासा विवाद उठ गया है जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। क्या कहा बीजेपी ने वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पीयूष पांडा ने क्या कहा। सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहे वीडियो में पीयूष पांडा कहते हैं, नरेंद्र मोदी अहंकारी हैं, वो तैली के बेटे हैं, वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और पूजा कैसे कर सकते हैं। जहां किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया फिर ब्राह्मणों का क्या काम है। मैं अपना जनेऊ प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दूंगा, मैं कोंटई बस स्टैंड पर बैठ का जूते पॉलिश करूंगा। क्या कहा उन्होंने सुनिए। रामेर मंदिर तो है उद्बोधन सर हमी बामुल लोग हम तो 3-4 दिन पर मन एक आती सेंट्रल बस स्टैंड जूता टूता पॉलिश करते बसते क्या जाने उन्नी जब রাম মন্দিরের অসম্পূর্ণ রাম মন্দির যার চারজন শঙ্করাচার্য বলছেন হিন্দু ধর্মে এটা হয় না অহংকারী নরেন্দ্র মোদি তেলির ঘরের ছেলে বাবা তিনি রাম মন্দির উদ্বোধন করছেন তিনি পুজো করছেন কোন ব্রাহ্মণের ডাক নেই তাহলে বামুন ঘরে টোকা পৈতে রেখে লাভ কি আমি প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে আমার পৈতেটা পাঠিয়ে দিয়েছি। पीयूष पांडा ने पीएम मोदी पर जातिवादी टिप्पणी के अलावा और भी कई बातें कही। उन्होंने पीएम मोदी के डिग्री और चाय बनाने को लेकर के भी प्रश्न उठाए। पांडा ने कहा कि आज से 50-60 साल पहले देश में कंप्यूटर और टाइपराइटर नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी की डिग्री कंप्यूटराइज्ड है। पीयूष पांडा ने कहा कि वो कौन से स्टेशन पर चाय बेचते थे, क्या आपको पता है किस स्टेशन पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री चाय बेचा करते थे। बहुत जल्द वो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने जो तमाम अभद्र टिप्पणियां है वो प्रधानमंत्री मोदी पर की। हालांकि बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस पर पलटवार किया और उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पीयूष पांडा के इस बयान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पर कार्रवाई की मांग की है और प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए इस अभद्र बयान, इस अभद्र टिप्पणी पर उन्होंने सख्त रुख अपनाने की मांग की है। दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के खासी हमलावर है और टीएमसी को घेरने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर के ये सवाल उठाया गया है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।